लोकसभा चुनाव होने में गिनती के दिन बचे हैं। सभी सियासी दल जोर शोर से अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि चुनाव स्थगित करने तक की नौबत आ गई है और शायद फिलहाल के लिए चुनाव टालना ही पड़े। दरअसल मध्य प्रदेश के बैतूल में बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी का निधन हो गया है। उन्हें सोहागपुर स्थित अपने निवास पर हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद एहतियातन अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बसपा कैंडिडेट के निधन होने के बाद से ही बैतूल लोकसभा सीट को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। क्या अब इस सीट पर चुनाव आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या फिलहाल के लिए इस सीट पर चुनाव टल जाएगा? और भी तमाम सवाल हैं, पर जानकारी के मुताबिक इस सीट पर फिलहाल के लिए चुनाव प्रक्रिया स्थगित हो सकती है। खबर तो ये भी है कि इस सीट पर अब बसपा के नए प्रत्याशी के नाम आने के बाद ही आगे की प्रक्रिया होगी और अब इस सीट के चुनाव की तारीख भी बदलेगी, क्योंकि नियम भी यही कहता है। बैतूल लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में यानी कि 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है, पर अब चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अशोक भलावी ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो बैतूल जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं।